मैं हैप्पी हूँ इस प्रॉफिट से, 1% ROI मुझे मिला है। एक सेंटेंस में कहना है तो ट्रेडिंग डायरेक्शन इज इक्वल टू सक्सेसफुल ट्रेडिंग। ओके, अपना आपका जो जर्नी होगा वो सक्सेसफुल ही होगा ट्रेडिंग डायरेक्शन ज्वाइन करने के बाद। हेलो इंट्राडे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग डायरेक्शन। मिलिंद तरलेकर जी का सक्सेस स्टोरी देखेंगे। वो लॉस टू प्रॉफिट अभी जर्नी सक्सेसफुल कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनका क्या कहना है, क्या अभी सोच है, क्या कॉन्फिडेंस बना है, उनसे सुनेंगे हम। जनवरी में आपका सीपीआर ब्रह्मा स्ट्रेटेजी ज्वाइन किया था, तो उससे मुझे आपका इंडिकेटर मिला था V2 वर्जन, सीपीआर ट्रेडिंग डायरेक्शन वर्जन 2। तो उससे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने उस पर काम किया थोड़ा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था वो बूस्ट नहीं हो रहा था, तो लग रहा था कुछ कमी है। तो बाद में मैंने अभी 20 दिन पहले आपका इंट्राडे मास्टरिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया। उससे क्या हुआ कि जो माइंडसेट है अभी दिखता तो आप स्क्रीन में आपको दिख जाता है कि क्या करना है, क्या मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें इधर ट्रेड करना ही चाहिए, वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता। तो मैंने आपके सब सेशंस देखे, वो 11-12 वीडियोस है, वो सब देखे, राइट डाउन किए, थोड़ा सा उसका स्टडी किया। ओके, फिर मैंने कल और आज ट्रेड लिए है। तो कल भी मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा, कल का कैपिटल मेरा 5,000 था और मुझे 2,400 का प्रॉफिट हुआ कल। और आज 50% प्रॉफिट हुआ। यस, कांग्रेचुलेशन। उसी प्रॉफिट के मतलब उसी कैपिटल यूज करके आज 7,000 कैपिटल हो गया था मेरा ब्रोकरेज जाके। तो वो 7,000 पे मैंने आज ट्रेड लिया और रिजल्ट आपके सामने है। माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट हुआ है आज भी, तो वो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। और ये सब आपकी वजह से हुआ, आपके इंडिकेटर की वजह से। और आप जो मेंटरशिप सेशन में जो लाइव सेशन लेते हैं आप 7 बजे तक, 7 बजे चालू होता है आपका, उसमें क्या है जो माइनर चीजें रहती है, आपने तो वीडियो बनाए है वो तो एक्सेलेंट है, लेकिन वो जो माइनर चीजें रहती है, मतलब एक मूविंग पे वो कब रेजिस्टेंस लेगा, कब सपोर्ट लेगा, 20 मूविंग पे कब सपोर्ट लेगा, री एंट्री कैसा करना है, और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग कैसा करना है, अपना टारगेट कैसे बुक करना है। मतलब क्या होता है कि थोड़ा अपना टारगेट पास जाता है, फिर रिवर्स आता है, फिर डर लगने लगता है कि अभी ये टारगेट आएगा या नहीं आएगा, मुझे बुक करना चाहिए था क्या, वैसा लगता है, माइंडसेट वैसा हिल जाता है। तो आपकी वजह से क्या हुआ कि अपना ट्रेड तो लिया है, अपना स्टॉप लॉस है, अपना स्टॉप लॉस सिक्योर हो गया, अपना स्टॉप लॉस सिक्योर हो गया, तो लास्ट तक मतलब आपका जो टारगेट है उस तक रुकना ही है, वो मुझे अभी कॉन्फिडेंस आ गया। फिर भी आज भी मैंने थोड़ा सा जल्दी एग्जिट कर दिया, लेकिन क्या है उससे मैं खुश हूँ। अभी तक मुझे जो प्रॉफिट हुआ है आज का, जो आप कहते हो कि ग्रीड भी कंट्रोल लगना चाहिए, ग्रीड में भी कंट्रोल होना चाहिए, तो आज 7,000 लगा के मुझे 6,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑलमोस्ट मेरा कैपिटल डबल हो गया ना। यस, इसमें मैं खुश हूँ और मैंने वो ट्रेड बुक कर दिया है, और ये सब ट्रेडिंग डायरेक्शन की वजह से हुआ है। और आगे से मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ बाकी के ट्रेड भी लूंगा और ये कंसिस्टेंसी बनी रहे, ऐसा मेरा अभी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और मैं विश करता हूँ कि ये कंसिस्टेंसी बनी रहे। और मैंने क्या किया था, मैंने पहले जो ट्रेडिंग किया था वो मतलब कहीं मैंने कोर्स वगैरह ऐसा कोई ज्वाइन नहीं किया है, यूट्यूब पे वीडियो देख के वगैरह और फ्रेंड्स का PNL देख के मैं इसमें उतर गया ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग में उतरने की वजह थी कि ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो सभी ट्रेडर्स वैसे होते, मतलब माइंडसेट वैसा ही रहता है, और ज्यादा प्रॉफिट के लालच में ज्यादा लॉस कर बैठते हैं।
मेरा भी वैसे हुआ, पहले मैं ट्रेड लेता था तो ब्लाइंडली ट्रेड लेता था, कभी कभी 50,000 एक दिन में 50,000 का प्रॉफिट भी किया है मैंने। और फिर ऐसा लगा कि 50,000 क्या, 1,00,000 का भी प्रॉफिट कर देंगे। तो वो ब्लाइंड गेम था, मुझे पता नहीं था कि किधर ट्रेड लेना है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी यूट्यूब वीडियो देख के सीख गया था मैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से किधर स्टॉप लॉस लगाने का, किधर री एंट्री करने का है, 20 EMA का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, 8 EMA का सिग्निफिकेंस क्या है, 200 EMA पे कैसे वर्क करता है मार्केट, तो ये सब आपकी वजह से मुझे सीखने को मिला है। और एक जर्नी था मेरा, मतलब यहाँ शेयर करूँ कर दो, 5,000 से मैंने एक ट्रेड, मतलब जीरोधा का मेरा अकाउंट है, उधर मैंने 5,000 से शुरू किया था लॉसेस होने के बाद में, तो मेरा 16 दिन में मैंने 1.5 का प्रॉफिट बुक किया था। 16 दिन में मैंने मुझे लगता है अप्रैल साधन हाँ फरवरी में, मतलब फरवरी में मैंने 27 फरवरी को मैंने 5,000 ऐड किया था और 16 मार्च तक मेरा कैपिटल 1.5 हो गया था। 1.5 लाख हाँ 1.5 लाख 5,000 से 1.5 लाख। लेकिन फिर से क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा वो विड्रॉ कर लिया प्रॉफिट, फिर ऐसा लगा कि फिर से मैंने ट्रेड लेना शुरू किया, तो वो 1.5 जो आया था वो भी गया और ऊपर से मेरा 2,00,000 का नुकसान हो गया। मतलब वो रिवेंज ट्रेडिंग चालू हुआ, मेरा लॉस हो गया, तो उन्हें रिकवर करने के लिए ज्यादा ट्रेड लेने लगा, ज्यादा लॉट से ट्राई करने लगा, 50,000 1,00,000 तक का कैपिटल मैंने यूज किया। लेकिन फिर बाद में ध्यान में आया कि ये कुछ गैम्बलिंग जैसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैंने आपका वो इंट्राडे मास्टरिंग प्रोग्राम अभी 20 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो फिर अभी मैंने ये और ट्रेड दो ट्रेड तो सक्सेसफुली लिए है, कल का और आज का, दोनों में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है मुझे, और आशा करता हूँ कि इससे आगे भी मुझे अच्छा अच्छा प्रॉफिट मिले और आपका गाइडेंस मिलता रहे। और मेरी इच्छा है कि अभी तो आपका मेंटरशिप सेशन भी मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, इसमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल के आपको फीस दे दूँ। गुड गुड गुड, कांग्रेचुलेशंस। हम वही चाहते हैं कि आप जो आपको जो फीस देना पड़े वो अगर प्रॉफिट से आ रहा है तो उससे अच्छा बात कुछ नहीं हो सकता है। दैट्स अ वेरी गुड। एंड प्लस आप सीख रहे हो एडिशनल है, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है वो परमानेंट रहेगा आपके पास। यस यस, फूड में एंट्री कर ली और इधर से थोड़ा सा इधर कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था अभी तक तो ये इधर ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं रुकूंगा, मेरा टारगेट ये था CPR। ओके, मेरा टारगेट CPR था, फिर भी मैंने इधर ये CPR को टच किया तो मैंने अपना लॉट बुक कर दिया। Okay. एक लॉट बुक कर दिया और एक का स्टॉप लॉस रख दिया, और फिर से मैंने इधर थोड़ा सा ऊपर जाने पर वो भी लॉट बुक कर दिया और मैंने री एंट्री इधर ली। अच्छा, CPR ब्रेकआउट पैटर्न, थोड़ा सा उसको जूम इन कर दीजिए। अभी क्या हुआ कि इधर ये ब्रेकआउट दे दिया। ओके, तो मैंने रश में एंट्री ले लिया इधर फिर से वो ऊपर जाने लगा, मैंने 5 लॉट एंट्री कर दिए। तो ऊपर जाने के बाद अभी ये रेड कैंडल फिर से हुआ, तो इधर मैंने एवरेज कर दिया, 3 लॉट और बढ़ाए मैंने। ओके, और इधर आने के बाद इधर पे मैंने 5 लॉट बुक कर दिए। ओके, और इधर स्टॉप लॉस रख के इधर मतलब 35 पे मैंने वो बाकी सब लॉट बुक कर दिए और इधर से मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी, क्लोज कर दिया। ये पहली एंट्री है। ओके, ऑर्डर हिस्ट्री, ये ऑर्डर हिस्ट्री है। पहले एक लॉट लिया
फिर वो 55 पे गया, 5 पॉइंट बढ़ गया, तो मैंने सोचा कि इधर एक लॉट बढ़ाना चाहिए। एक लॉट इधर बढ़ाया। एंट्री स्टैगर्ड एग्जिट जो हमने सिखाया है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया आपने। यस सर, यस, और वो भी एग्जीक्यूट हो गया। फिर मैंने जब सीपीआर ब्रेकआउट देखा तो इधर छोटी एंट्री ले ली मैंने, 22 रुपए पे एंट्री, 22-23 रुपए पे एंट्री ले ली 5 लॉट पे। ओके, फिर वो और 5 लॉट मैंने 28 पे सोल्ड कर दिए, सेल कर दिए। ओके, और बाद में जो रिमेनिंग लॉट्स थे वो 30 पे मैंने सेल रखा था, वो तो सेल ले लिया उसने का, और दो लॉट मैंने 35 पे निकाल लिए लास्ट। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो पीएनएल, यस सर, अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मिनिमम कैपिटल पे अभी मैंने ये मैक्सिमम प्रॉफिट लिया है। तो मैं ज्यादा ग्रीडी हो जाता तो वो भी मेरे हाथ से निकल जाते लेकिन मेरा थोड़ा ग्रीड मैंने आज कंट्रोल किया। इससे भी पहले मैंने ट्रेड लिए 5000 पे 5000 भी प्रॉफिट लिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब वो 5000 भी जाता था और मेरा 5000 भी जाता था। ओके तो मैंने आज क्या किया कि आज दो ट्रेड हो गए मेरे सक्सेसफुल, मैंने आज बंद कर दिया। मतलब आपने बोला था कि 3 ट्रेड मैक्सिमम लेना है, तो आज मेरे 3 ट्रेड हो गए, मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी और मैं हैप्पी हूँ इस प्रॉफिट से। लगभग मैंने अभी 70-90% ROI मुझे मिला है। जो आपने ट्रेडिंग डायरेक्शन को, इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम को फीस दिया था, वो आपको एक दिन में रिकवर हो गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो अपने ऑडियंस को? यस सर, मुझे यही कहना है कि बाकी इधर उधर जो कोर्सेस है वो जो मतलब ये पेड चैनल्स है, मतलब टेलीग्राम चैनल भी अभी लोग चला रहे हैं कि हम कॉल देते हैं, कॉल लो हमारा 5000 दो, 10000 दो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो ट्रेडिंग डायरेक्शन को ज्वाइन कीजिए, अनिल सर से आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लीजिए, फिर आपको मतलब किसी से भी टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका स्टॉप लॉस टारगेट पहले से भी डिफाइन हो जाएगा, और जो आपका ट्रेडिंग डायरेक्शन का ये जो CPR बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर है, ये भी सिर्फ यूज किया तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, इतना परफेक्ट और इतना अच्छा इंडिकेटर है, उसमें सब कुछ अवेलेबल है, मतलब जो चाहिए वही VWAP है, 20 EMA, 8 EMA, 50 EMA, 200 EMA, सब कुछ अवेलेबल है, और प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो, जहां से मार्केट 100% एक बार तो रिवर्स होता है दिन में, तो वो तो परफेक्ट हो, तो बाकी कोई भी इंडिकेटर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, तो आप सब टीम है ट्रेडिंग डायरेक्शन की, अनिल सर है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट कर सकते। एक सेंटेंस में कहना है तो ट्रेडिंग डायरेक्शन इज इक्वल टू सक्सेसफुल ट्रेडिंग। ओके, आपना आपका जो जर्नी होगा वो सक्सेसफुल ही होगा ट्रेडिंग डायरेक्शन ज्वाइन करने के बाद। फ्री में कुछ वैल्यू नहीं रहती। अभी मेरा मेडिकल शॉप है तो मैं फ्री में चेकअप वगैरह करता हूँ, बीपी शुगर का, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती सर, वो आते ही नहीं है, चेक करके जाते हैं, रिपोर्ट लेने कोई आता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप 6000 इधर खर्च करो, 6-7000 जो भी फी है आपकी, ये 45,000 जो मेंटरशिप सेशन है उसकी फी है, वो तो बहुत कम है। आज मैंने ट्रेडिंग करके देखा है तो मैंने 1-1 लाख रुपए भी लॉस किया, तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है ना। तो सीखना है तो प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, सीखना है तो प्रॉपर तरीके से सीखना है, और जो लॉस करना है वो इधर फी दी तो वो महीने भर में, 1 मंथ में आपकी फी रिफंड हो जाएगी ना ट्रेडिंग करके,
कॉन्फिडेंटली ट्रेडिंग करेंगे तो महीने भर में आपकी फी रिफंड हो जाएगी, तो फीस कोई मैटर नहीं करती आपको भी उससे। तो क्या है कि आप जो सिखा रहे हैं वो मिनिमल एकदम कम फी है आपकी, उससे आपका भी ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आपका जो नेचर है मतलब सब कम्युनिटी हमारी प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए ट्रेडिंग में, इसलिए आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा और नोबेल कॉज के लिए आप कर रहे हैं, तो मेरे बहुत बेस्ट विशेष है आपके टीम के लिए आपके लिए। और मैंने ये आपकी 3 बुक्स बाय कर लिए है, अभी सैटरडे को ही आए हैं पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। हाँ यस यस गुड एक्सेलेंट पार्ट 2 है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पार्ट 2 करेक्ट गुड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि कैपिटल तो सब हर कोई लाता है, वो कैपिटल कैसे बचना चाहिए और कैसे प्रॉफिटेबल रहेंगे आप, वो सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी में डिपेंड करता है। ओके यस 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 ये किताब आपके वार्डरोब में होना ही चाहिए, आप डेली दो आप जो बोलते हैं 2 पन्ने भी पढ़ेंगे तो भी वो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपके ट्रेडिंग में। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है पढ़ने को, 2 दिन में ही मेरा अच्छा रिजल्ट आया है, मेरा सब मेंटरशिप का फीस भी रिफंड हो गया कल का। तो आप सभी वो पैसे की चिंता ना करके अच्छे कॉज के लिए इंग्लिश लर्निंग अर्निंग विल ऑटोमेटिकली कम। यस यस यस। तो सर आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ से है? ठीक है, मेरा नाम स्वप्निल तावेकर है, मैं इचलकर जी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हूँ। मेरा खुद का मेडिकल शॉप है चैतन्य जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स करके इचलकर जी में, और मैं फ्रेंचाइजी भी प्रोवाइड करता हूँ मेडिकल शॉप की जेनेरिक मेडिकल। और ट्रेडिंग में मैं ऐसे आया कि मतलब मेरे फ्रेंड्स ट्रेड करते थे तो उनका PNL देख के 10,000 प्रॉफिट 15,000 प्रॉफिट, तो मुझे भी लगा कि कुछ तो करना है, मतलब एक साइड इनकम सबका सपना होता है कि एक पैसिव इनकम चाहिए एक साइड इनकम चाहिए, तो इसकी वजह से मैं ट्रेडिंग में आया। और आने के बाद पहले तो मेरा सब अच्छा चल रहा था, मतलब मैं भी 10,000-20,000 दिन का प्रॉफिट कर रहा था, पहले एक दिन में 50,000 भी प्रॉफिट किया है मैंने। और एक थर्सडे को मतलब बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है, मेरा कैपिटल 50,000 था, तो 50,000 पे मैंने 1,00,000 का प्रॉफिट किया था एक दिन में। ओके तो वो पहले जो बताया कि 5,000 से 1,50,000 तक का प्रॉफिट मैंने 16 दिन में भी किया, पर वो सब चला गया, वो सब गैम्बलिंग था, वो मुझे बाद में पता चला कि वैसा नहीं होता, ट्रेडिंग करना है तो प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करना है। तो आपसे मैं जुड़ गया, पहले तो मैंने ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी में एनरोल किया था, उससे मुझे ट्रेडिंग डायरेक्शन CPR बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन का वर्जन 2 मिला था, उस पर भी मैंने काम किया, लेकिन जो बूस्ट मिलना चाहिए तो वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने इंट्राडे मास्टरिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया 20 दिन पहले। तो अभी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपने ट्रेड्स खुद ले सकता हूँ, खुद के भरोसे पर उसे ट्रेल कर सकता हूँ और खुद के भरोसे पर मैं टारगेट भी बुक कर सकता हूँ। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग डायरेक्शन, एंड ट्रेडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर CPR बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन V3। सो मुझे कहना है कि आप सब मतलब जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, उन्हें कहना है कि आप फीस में ज्यादा ध्यान मत दीजिए, लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लर्निंग करेंगे तो अर्निंग पे वैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लर्निंग पे फोकस करो अर्निंग तो हो जाएगी।
और अनिल सर और ट्रेडिंग डायरेक्शन का मैं यहाँ धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मुझे ये कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया है उन्होंने। अभी मैं ट्रेड्स और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई कि अभी ट्रेड लिया तो सक्सेसफुल होना चाहिए और ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए ऐसा मैं सोच रहा हूँ और ये वैसा मैं करूंगा। यस, आपको फ्यूचर और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जर्नी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल होगी। थैंक यू सर।